कुछ खाए ना जी, आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे। पहले आप तो बैठिए, जब से आए हैं काम में लगे हुए हो। ओए मेरी तोशी का तो स्टाइल ही है, घर में मेहमान बाद में आते, पहले हमारे यहाँ पे पकौड़े दलवाने लग जाती है। कुछ तो देखिए, बहुत मत बोलो। निधि बिना और डरा रही हूँ। तो निखिल, आगे क्या प्लान है? Well, अभी तो जिस डोमेन में हूँ उसी में एक्सपर्टीज करूंगा। After that, maybe I'll go for masters. फिर शायद I'll switch to finance. Not a bad idea. वैसे आप लोग अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शिफ्ट हुए हैं या पहले से? बिकॉज मम्मी आंटी बोलती है आप लोग पहले कनाडा में रहते थे। नहीं, हम तो हमेशा से ही स्टेट्स में। ओ, कनाडा हो या अमेरिका, है तो मुंडा एनआरआई ना। एक्चुअली मेरे अंकल है ना, जो डिंपल से भी रिलेटेड है, वो रहते हैं कनाडा में। अब थोड़ा सा मिक्स हो गया, तू भी ना रमन, बहुत तंग करता है। अच्छा इशिता कित है, नजर नहीं आ रही? ओ क्लिनिक गई है, बोल के गई थी मेहमानों के आने से पहले आ जाऊंगी, पर वो ना उसने आज एक ऑपरेशन करना था, मेरा ख्याल है वो उसमें फंस गई है। मैंने आप सबको बताया था ना कि हमारी रमन की वाइफ इशिता बड़ी बड्डी डेंटिस्ट हैगी। Really? That's great. Very good. हम लोगों की बातें हो ही गई हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी आपस में बातचीत कर लें, कुछ पूछना हो आपस में। हाँ क्यों रमन? Yeah, why not? दोनों को साथ में रहना है, एक दूसरे को समझना है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। रमन तू इन दोनों को ना रिंकी के कमरे में ले जा। पुत्र बेचारे को डराना नहीं, अपनी भाभी पे मत जाना, उसकी वैसे हालत खराब हो जा। मैं चलती हूँ। हेलो, क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं, बस दोनों बात कर रहे हैं अकेले में। और रिंकी का मूड कैसा है फिलहाल? पहली बार ऐसा देखा मेरी बहन को डरी हुई है। और एक तुम थी शादी के वक्त जंगलियों की तरह लड़ती थी। हमारे जो सर्कमस्टांसेस है ना वो बहुत डिफरेंट थे। अब मुझे मिला भी तो रावण कुमार था। सारे लड़के भी वैसे नहीं होते। खैर अगर आप भी तब मिले होते तो मुझसे एक ही सवाल पूछती, खाना बनाना आता है? Do you cook? क्यों आपको कुक चाहिए? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली आई लव कुकिंग। क्या है ना, यूएस में तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तो मैं कहना चाहता था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आई एम अ वेरी गुड मास्टर शेफ। तो मैडम हमारी शादी होती नहीं। क्यों? पहले ही पता चल जाता कि मद्रासन रसम पिला पिला के मारने वाली है। बकवास। आपको कुछ नहीं पूछना क्या? सी निखिल, आई वांट टू बी वेरी क्लियर। मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो अगर इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अभी। दैट्स ऑसम। आप अपनी आगे की स्टडीज यूएस में करिएगा ना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस। By the way, अभी आप क्या पढ़ रही हैं? अच्छा मैं अंदर जाके देखता हूँ, बहुत टाइम हो गया इनको यार। क्या बात ही तो कर रहे हैं ना, उन्हें बात करने दो ना। आप सारी बातें आज कर लेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे? अरे माना कि वो आपकी सिस्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच-बीच में इंट्रूड करोगे। देखो उसे सोच समझ के अगर हाँ बोलना है तो बात करना ही होगा अच्छे से। तो ठीक है ना, एक काम करो, तुम भी आगे लड़के से मिलते रहो। आप लोग मिल रहे हो ना, काफी है। आई एम श्योर आप लोग अच्छा जजमेंट लोगे। अच्छा मतलब आपकी जिम्मेदारी हमारे सर पे थोप दी। खुद लड़का देख लो कैसा है, समझी? फिर बाद में मुझ पर चढ़ना मत। रमन, आई थिंक वो लोग आ रहे हैं, चल बाद में बात करता हूँ। बाय। आओ, कम कम। ओए होए निखिल, तेरी तो स्माइली बता रही है, तुझे हमारी रिंकी बड़ी पसंद आई है कि नहीं? अब रिंकी सारी बाजी तो तेरे ही हाथ है, कैसा लगा हमारा मुंडा तुझे? बस पुत्र। देखो रिंकी, तुम प्रेशर मत लो,
अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में बोल देना, क्यों बल्ला जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब रिंकी पुत्र टेंशन ना ले, आराम से सोच के जवाब दे। हाँ और रिंकी कान में बता देना, बताओ ना कान में, बोलना रिंकी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से हाँ। निखिल कांग्रेचुलेशंस, आपको भी बधाई। लड़की वाले हैं, हमारा भी कोई फर्ज बनता है। Come on. Thank you. Welcome to the family. ओए होए, हमारे रमन के तो स्टाइल देखो जी, बड़े निराले स्टाइल है हमारे रमन के। तो ये रमन तो चाहता है कि बच्चों की शादी उनके मन के मुताबिक हो, बाकी आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। भल्ला जी, रिंकी अब हमारी है, हम उसे एक जोड़ी कपड़े में भी ले जाने को तैयार है। ओहो, अभी आपने हमारे रमन का स्टाइल पूरा देखा ही कहा, साडे रमन के बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। अरे दिल्ली में ऐसी शादी नहीं होगी, पूरी दिल्ली हिलाने वाले, वो पूरी दिल्ली देखना क्या प्रोग्राम करता है। देखिए भल्ला जी, हमारे लिए रिंकी और निखिल के दिल मिल गए हैं, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। आगे बस आप लोग जैसा चाहते हैं। मेरा पुत्र मेरे साथ है, रिंकी उसकी लाडली बहन है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, आप टेंशन मत लो। क्यों पुत्र? जी बाबा। तो फिर कल रोका कर ले। कल? एक्चुअली क्या है ना बल्ला जी, कि निखिल अभी इंडिया में है, तो हम सोच रहे थे कि जो होना है अभी हो जाए, वरना कम से कम एक डेढ़ साल के लिए बिना मतलब के वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं क्यों पुत्र, जैसा आप ठीक समझे पापा, कल रोका कर लेते। ठीक मम्मी जी, आई एम वेरी सॉरी, उन प्रोसीजर्स में आज बहुत डिले हो गया मुझे, वरना मैं काफी पहले पहुंच जाती। मम्मी जी आई एम सॉरी, मुझे मालूम है आपको बहुत बुरा लगा होगा, मैं काम के वक्त यहाँ नहीं थी। और मैं तेरे पूछिया कि तू क्यों देर से आई है, पर आप पे प्रेशर भी तो कितना हो पागल। जब मैं रमन से नहीं पूछती कि वो कहाँ था, की कर रहा सी, क्यों देर से आया है, तो मैं तेरे क्यों पूछूंगी। मैनू पता है कि काम काज में देर हो जाती है, देर सवेर कोई गल नहीं, तू चिंता ना कर, तेन अपनी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ लेकिन यहाँ भी तो काम का बहुत प्रेशर हो गया होगा ना। ओए की बढ़ गया सी काम, सारा कुछ तो तू करा के गई सी है, रिंकी की साड़ी से लेके नाश्ते तक की तैयारियां करा गई सी, हमें की करना पड़ा, प्लेट में डाल डाल के रखते गए सारा कुछ है। हुण देख, हुण अगर किसी को कुछ बोलना है ना, तो सिर्फ मैंने बोलना है। मैं की बोलूंगी पता है तेनू? थैंक यू इशिता, तेरा बहुत बहुत थैंक यू यार। हुण इसी तरह तूने ना कल की भी सारी तैयारियां करनी है। मैंने पता है कि सारा कुछ बड़ा जल्दी 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 हो रहा है, पर फिर भी ना अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ते भाई सीधी सी गल है, मैं तो सारा ना तेरे ऊपर डिपेंड कर रही हूँ। मम्मी जी आप दुनिया की सबसे अच्छी सास है। मैंने पता है वो तो मैं हुई। तू भी बड़ी प्यारी है, जिंदी रहो।